बड़ा सिंगिंग स्टार है अदनान भाई, हमारे सुपरस्टार बने जल्द से जल्द, और आयरा वुड बी वन ऑफ द बेस्ट, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इनके हो और फिल्म में सबसे ज्यादा ये करें। और अभी जैसे किसी ने सवाल किया था इसके बाद क्या करें, तो मेरी दुआ है सिंगल से हम डबल पे जाएं, ये टीम फिल्म में जाए तो उसका मजा होगा। और आई बिलीव दे आर वेरी 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 गुड एक्टर्स, इंशाल्लाह इन इन थोड़े दिनों में आप देखोगे ये लोग राज करने वाले हैं मिलियंस क्रॉस कर रहा है। सो सबसे पहले तो बताएं कि क्या कुछ फीलिंग है इस गाने को लेकर। मैंने देखा कि बहुत सारे जो बॉलीवुड के नोन चेहरे हैं उनके गानों को भी ये बीट कर रहा है ये गाना, तो क्या फील करते हैं आप लोग एंड व्हाट डू यू से एनीवन लेडीज फर्स्ट, आप कोई लेडीज स्टार्ट कर सकता है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ आने के लिए, एंड ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। एक ही दिन में इतने अच्छे व्यूज आना, इतना सराहा जाना बहुत काबिले तारीफ है, हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है, और हमारे प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छे से पसंद किया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा खुशी हम बयान नहीं कर सकते कि क्या। सबकी मेहनत है, हम सबकी, अदनान की, मोहन साबरी ने इतना अच्छा गाया है, अमजद नदीम जी है, सब लोग हैं, तो हमने अपना प्रोडक्ट बनाया, हमने अपनी मेहनत की, अब ऑडियंस पे था कि वो हमें अच्छे से प्यार दे, अच्छे से पसंद करे, और उन्होंने जितने अच्छे से हमें प्यार दिया है वो हम उनके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। नाम जी, मैंने जो गाना देखा बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है, कुछ कहेंगे आप इस गाने की सक्सेस को लेकर? मैं ईगोइस्टिकली साउंड करना चाहूंगा, बट आई ऑनेस्टली बिलीव फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट दैट दिस सॉन्ग वाज गोइंग टू बी अ सक्सेस, क्योंकि व्हेन यू हियर द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग इतना दिस सो ब्यूटीफुल दिस एंड सो वेल संग, एंड यू गॉट सच अ ब्यूटीफुल लेडी इन द सॉन्ग एज वेल, यू नो आई न्यू आई लुक्ड एट ऑल दिस एंड आई सेड दिस सॉन्ग हैज टू बी अ सक्सेस। मैं लोग सबको कहानी बता रहा था कि I was in Dubai when I got the call for this song. I was on vacation, and मैंने रात के 3 बजे ये गाना सुना for the first time. I was blown away, man. I said I have to. Just this song has so much feeling and so much heart. So I consider myself lucky that Ayra and her team and Moin Saab and his team all reached out to me and we got this. Yeah, yeah. I definitely knew. Again, not sounding egoistical, but मुझे यकीन था that this song is going to be amazing. And it is. It becomes more amazing when you came on board. Yeah. Thank you so much. तो क्या हम ऐसा माने कि आने वाले दिनों में आप लोग इस तरह के रोमांटिक गाने, इस तरह के और म्यूजिक वीडियो करते रहेंगे आप लोग, या इंशाल्लाह? बिल्कुल। आई थिंक ऑन दिस पॉइंट यू नो व्हाट आई एक्चुअली थॉट, आई सेड दैट आवर केमिस्ट्री, मेरे फैंस में बहुत सारे जो इंडोनेशियन फैंस हैं दे डोंट नो आयरा सो वेल, बट दे ऑल रिपोर्टेड दैट दे लव द केमिस्ट्री, एंड मेरे दिमाग में ये मैं सोचने लगा कि यार आई थिंक वी शुड मेक लाइक जस्ट आइडियाज आर कमिंग आउट एंड आई वाज लाइक वी शुड मेक एक सीरीज, यू नो मोइन साहब विल कीप सिंगिंग एंड वी आर गोना जस्ट कंटिन्यू डूइंग दिस, सो वी डू करेंगे इंशाल्लाह। सो आई वाज थिंकिंग दैट, या मोइन साहब आप बताइए इस गाने को लेकर, एंड जैसा कि मैडम ने पूछा कि क्या आगे भी आप हमारे लिए इस तरह के गाने करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शुरू कर रहे हैं, बट इस गाने से एक अटैचमेंट रहा है शुरू से। मेरे भाई हैं अमजद नदीम आमिर भाई, सो मतलब शुरुआत तो वहाँ से हुई है, तो उन्होंने इस गाने को पता नहीं ऐसा बनाया है कि वो एक फील भी है उसमें, एक उनकी राइटिंग भी माशाल्लाह दोनों की बहुत अच्छी है, जबकि वो फ्लो में बहुत अच्छा लिखते हैं, ऐसे प्रोफेशनली उनको किताब नहीं मिला हुआ है, बट कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना उनके अंदर है उनके, कि वो बहुत अच्छे तरीके से राइट करते हैं। बिल्कुल। सो आपको इस गाने के अंदर नजर आएगा उनकी कंपोजिशन, कहीं ना कहीं मैंने गा दिया उसको उनकी मेहनत है ये, क्योंकि एक कंपोजर का बहुत बड़ा योगदान होता है एक गाने के साथ, सिंगर के साथ, कि वो गा दे तो कहीं ना कहीं गाना बहुत अच्छा हो जाता है। सो
माशाल्लाह गाना अच्छा बना, गाना अच्छे बनने के बाद उसमें बहुत अच्छे अच्छे चेहरे आ गए, माशाल्लाह आयरा ने, अदनान भाई हैं, आयरा ने बहुत अच्छा एक्ट किया है, सबने बहुत तारीफ़ की है, मेरे क्लोज जो बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड उन्होंने आयरा की बहुत तारीफ़ की, अदनान भाई के लुक की बहुत तारीफ़ की, और कहीं ना कहीं ये दोनों अगर आप देखें ना तो इस वक्त इंस्टाग्राम पे इन दोनों की बहुत सारी पिक्चर वायरल हो रही हैं, अलग अलग तरीके के से बन के, सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और अच्छा लग रहा है, इंजॉय कर रहे हैं, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह और अच्छा करें, बट इसके साथ कहीं ना कहीं एक अच्छी अटैचमेंट और एक याद रही है हमारी हमारे दोनों की। मोइन, आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं, प्रोफेशन आपका वो है, और इसमें क्रिएटिव फील्ड में कैसे प्लंज लिया, और कितना ज़्यादा आसान या मुश्किल हुआ इसमें प्लंज लेना आपको? देखो, आसान और मुश्किल तो मुझे ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है, सच बताऊँ मैंने कभी सोचा नहीं है, मेरा पैशन है स्टाइल, बट अगर देखा जाए तो मैं बेसिकली मेरी पूरी इंटायर फैमिली जो है ना म्यूजिकल फैमिली है, सो मेरे ताया या मेरे भाई लोग जितने भी हैं सो वो सिंगर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनमें से ही कहीं ना कहीं हमारे आसपास सारा म्यूज़िक है, सो वो है ब्लड में, मुझे वो पता नहीं शौक रहा है ज़िंदगी में कि कहना कहें म्यूज़िक, और इससे पहले मेरे गाने आ चुके हैं, सो चल रहे हैं। अरे, आपका जो डेब्यू म्यूज़िक वीडियो था वो मतलब टी सीरीज़ का जो फेसबुक पेज था उसमें बहुत रिकॉर्ड फॉलोअर्स, क्या कहना चाहेंगे, वो एक्सपीरियंस कैसा था, और एग्जॉटिक लोकेशन में शूट हुआ था तो वो और ये जो कितना डिफरेंस आप आते हैं, आप जो सक्सेस आपको मिला उस वीडियो के थ्रू, इसमें डिफरेंस तो यही है, पर डिफरेंस एक चीज़ का नहीं है कि फैंस ने तब भी बहुत प्यार दिया था, आज भी उतना ही प्यार दे रहे हैं। फर्स्ट वीडियो पे इतने अच्छे से व्यूज़ होना, एक डेब्यूटेंट को इतने अच्छे से प्यार देना, समझना, वो मैं अपने आप को आई फील ब्लेस्ड एंड लकी एज वेल एज फॉर्चुनेट एज वेल कि कोई भी म्यूज़िक वीडियो इतने लार्ज स्केल पर शूट नहीं हुआ था जो हमारे जुदाई में हुआ था। एंड As an actor, I feel very fortunate कि I get a chance to showcase my talent, that too in less than 4 minutes, जो कि आप and you don't have any dialogues. So एक actor के लिए बहुत अच्छा graph रहता है music video, और वो भी अगर अच्छे label से आ रहा हो, whether it is T series or Z, तो उससे बड़ी बात क्या होगी। सर, आपसे पूछूंगा, आपका क्या मतलब view है music video industry को लेकर, competition बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्वालिटी का नहीं, बताइए कि क्या करना चाहिए। आपने इतना अच्छा सवाल किया, यू नो फ्यू डेज को मैं यही सोच रहा था कि आई डोंट नो एनी मोर कि इतने सारे प्रोड्यूसर्स इंडस्ट्री में घुसने की वजह से इज दिस अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, क्योंकि मैंने यही नोटिस किया क्वालिटी इज ड्रॉपिंग एंड क्वान्टिटी इज इंक्रीजिंग, इतना इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए, इतना कॉन्टेंट हो गया ना, दैट पीपल आर जस्ट मेकिंग स्टफ अप, एंड मैं कुछ दिन पहले सोचा था मुझे क्वालिटी कम होते जा रही है, सॉन्ग्स दे जस्ट मेकिंग इट, दे नॉट टेकिंग टाइम, दे डोंट सिंग इट विद देयर हार्ट्स, देयर इज नो इमोशन, द एक्टर्स, अगेन दिस डजंट मीन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग की पूरी इंडस्ट्री ऐसी होगी, बट मैं ये ज़्यादा देखने लगा हूँ बनिस्बत, बिकॉज पहले जब गाने बनते थे इट वॉज नॉट सो मच, तो एक जब गाना बनता था इट वॉज द प्रोडक्शन वैल्यू वॉज फिनोमिनल, इट वॉज ग्रेट टू वॉच, अभी मैं थोड़ा कम देख रहा हूँ, बट दैट्स द I don't know if this what I'm about to say is true or not, but I think शुरुआत होती है गाने से, अगर आपका गाना अच्छा है ना, if it strikes a chord पूरे टीम में ना, then it just becomes good, and that's what happened on our song. Like पूरे यूनिट को गाना पसंद था, really really पसंद था, everyone wanted to put their best foot forward. तो I do believe what you said is a problem. मुझे लगता है कि quality थोड़ी सी कम होती जा रही, because competition इतना बढ़ गया, but जब एक अच्छा गाना निकल के आता है जैसे मोहिन भाई का गाना, तो इट स्टैंड्स आउट एज यू कैन सी। एंड वन मोर थिंग, आई मीन यू बी अ पार्ट ऑफ अ म्यूजिक वीडियो, आपका जो एक्टिंग पोटेंशियल है वो कितना शोकेस करने का मौका मिलता है, क्योंकि व्हेन यू आर पार्ट ऑफ अ टीवी शो और अ फिल्म और इवन अ थिएटर प्ले, वहाँ पे तो आप शोकेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे यू नो इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक एंड डांस, तो वहाँ पे कितना लैक करता है ये चीज़, ये मीडियम? इट्स वेरी डिफरेंट यार, बिकॉज आपने यू आर एन एक्टर, व्हाट कैन व्हाई आर यू आस्किंग दीज very specific good questions, because they're good questions. Yes, I did face a problem. No, because you are an actor, so I'm asking, yes, so what is, because your very, no, not in a bad way, I'm giving you a compliment that this was something I faced, because television shows mein I get so long to do a character, films mein there is a month of rehearsal, web series there's so much back and forth, here there is banisbat bahut kam rehearsal hui thi, to आप उसको एक डिसएडवांटेज में भी ले सकते हैं, बट
I can take that as an advantage also, that come planning, say just on the fly what stuff happens. So as an actor, it was a challenge, but I think it was a very, very good challenge. And it worked, just the both of us worked. I don't know. My explanation is that how we worked, because time we have one or two days rehearsal. In movies, we have one month rehearsal. In theater, that's all we do. Either one or two days rehearsal, but alhamdulillah, we both worked. She's a good actor. And just we worked, so it's good. It's a good challenge, yes. No, because when in an ad, if it's of 10 seconds or 15 seconds, you can showcase your acting potential in that ad. Acting potential, you can show anywhere. We can showcase also, and it is very challenging as well. We don't have our dialogues and all. So definitely, what you are saying is absolutely right. But that is what actor about, na? That we are getting dialogues, things are getting, directions are getting. We are doing. But if we are not having any script or dialogues, how we are portraying? Even in this 3 minutes of duration, we have romantic scenes, crying scenes, fighting scenes, and numbers of emotions. So, that graph we get, and we are trained too. I think it's a challenge, but I think it's a good challenge. Good challenge. I think it's fun. And lastly, what's the future project you're working on right now? I mean, besides this, I mean, are you looking for any project or working on right now? Having said this, I'm not going to tell you details. I'm not going to tell anyone details because I don't know what happened. Before that, Mohin bhai media se interaction raha hai 2 years, when the show was little. So they keep asking me, what are you doing? And I'm very openly, I don't think that I should tell or not. I'm very open with what I'm doing. I'll tell you details of my story. So I told you that I'm writing the script, feature film, all of that. I said so much that everyone went to the climax. Now people ask, what happened to the film? I'm saying, yeah, that's it. So now I'm going to say, that's much as you know. That's much as you know. So I'll not give details this time, but I will tell you that I'm a producer as well. I'm working on my own project. And let's see. Best wishes, Abhi. And about you, you are a great fan of Irfan Khan sir, I mean, the legend. I mean, क्या सीखने को मिला उनके एक्टिंग स्किल से, उनके अचीवमेंट से, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो? इरफान सर जी हाँ बिल्कुल, गुरु मानती हूँ उनको. एंड वो एक ऐसे शख्स है जिन्होंने एंटायर इंडियन सिनेमा की वेव चेंज की, ऐसा मैं मानती हूँ. एक्टिंग के जरिए जो रिदमिक लेकर आए हैं, जो मेथड एक्टिंग हटाई है उन्होंने, वो ग्राफ, वो बैरिकेड को ब्रेक करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क. वो करे हैं और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि the kind of cinema I am entering is the one I love, जिसमें rhythmic हो, female centric characters को ज़्यादा importance दी जा रही है. तो ये सब कुछ और उनसे जितना भी सीखा, ये हमारा unluckiness है कि हम enter हुए हैं. और he is no more, but वो he is no more in a world, but he is in us. That's what I feel. और उनसे जितना रहा है सीखते रहे हैं, सीखते रहेंगे. उन्होंने जितना काम किया है उसको आप एक काम को भी आप यू कैन टेक अ मंथ्स एंड मंथ्स उनसे सीखने. एंड वी लव यू इरफान सर, दैट्स व्हाट आई वांट. मुझे लास्टली रिक्वेस्ट है कि गाने के अगर दो लाइन आप गुनगुना दें. बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करूंगी. बात में आई लव दिस सॉन्ग. ऑफकोर्स टुकड़े टुकड़े दिल दे करके माही वे तू खुश हो जा, जिन सारे ख्वाबा वेखिया दिल ने तू संग संग सब ले जा, जिथे भी तू जावे तेनू याद नी मैं करना, छड़ जाने दे मैनू मैनू इश्क नहीं करना, छड़ जाने दे मैनू इश्क नहीं करना. लवली. हमने काफ़ी फिल्में की हैं, 20 से 25 फिल्में की हैं और 20 से ज़्यादा सिंगल वीडियोस की हैं. लेकिन इस गाने का हमें हमेशा से एक्साइटमेंट रहा है, तो इस गाने को लेके 6 से 7 महीने हो गए जब से बना है, क्योंकि इसमें एक गाने में रूह थी. क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमें बोली जाती हैं कि ऐसा गाना बनाओ, ये चीज़ें करनी है,
एक गाना हिट हो गया है वैसा गाना बना, ये गाना हमने ना दिल से बनाया है। जो जो जैसे अभी मोइन ने कहा है कि ये लोग बेसाख्ता लिखते हैं, लोग बिना सोचे जो दिल में आता है वो करते हैं, तो ये गाना ऐसे ही बना है कि एक आइडिया शेयर आया कि भाई ऐसा एक गाना होना चाहिए कि लोग उसको पसंद करें और रूह में दिल में उतरे वो गाना। तो वी हैव थॉट ऑफ समथिंग जो एक, और ये गाना आप यकीन करें आज हमें लग रहा है कि शायद बहुत मेहनत से बना है, लेकिन हम ये सोचते हैं गाना अल्लाह ने दिया, और ये सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में गाना बना था, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगता। हमने उसके बोल रहे हैं और गा रहे हैं, बोल रहे हैं गा रहे हैं, मोइन भाई सामने थे और मोइन ने इस गाने को 15 मिनट में गाया। इस ये मेरे कहने का इसलिए मकसद ये है कि लोगों के दिमाग में ये है कि ही इज़ अ हेयर स्टाइलिस्ट, बट ही इज़ अ फैबुलस सिंगर, ख़ानदानी सिंगर है, इन्होंने म्यूज़िक की पूरी ट्रेनिंग ली है और बाकायदा ये सिंगर ही बनने इस इंडस्ट्री में आए थे, लेकिन इनको एक शौक है, एक जैसे हॉबी होती है, मुझे फ़ोटो खिंचाने का हॉबी है बट आई एम नॉट अ एक्टर। तो किसी को एक हॉबी होती है, तो वो उनकी एक हॉबी है। आई फील ही इज़ अ प्रोफेशनल सिंगर, और अभी जो हमने और 3 गाने इनके साथ रिकॉर्ड किए ये इससे मच बेटर है, उसका फील अलग है। तो हेड्स ऑफ टू मोइन के वो इतने मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं कि जो भी काम कर रहे हैं वो एस कर रहे हैं, द बेस्ट कर रहे हैं। आज हेयर स्टाइलिस्ट भी वन ऑफ द बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट ऑफ बॉलीवुड है, और इंशाल्लाह कुछ ही साल में वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड सिंगर भी बन जाएंगे। आप सबकी दुआ चाहिए। सर, व्हाट अबाउट योर एसोसिएशन और हाउ वाज इट वर्किंग विद? मेरा सिर्फ एक कहना है कि फनकार सुनकार के बिना कुछ नहीं है। जो हम फनकार हैं, आप लोगों ने आज इतनी छोटे से टाइम में इसको इतना प्यार दिया, एल्बम को हमें इतना प्यार दिया है कि हर गाने जितनी भी हम लोगों ने पिक्चर करी है आज तक सबको इतना प्यार मिला है। लेकिन इस वही अमजद भाई का कहना, इस गाने से हमारा एक अलग ही लगाव था, क्योंकि ऐसा बनाना है वैसा बनाना है ये हमें किसी डायरेक्टर की तरफ से फोर्स नहीं था। और जब एक अच्छा कंपोजर एक अच्छा कंपोज कर देता है, अच्छा सिंगर अच्छा गा देता है, और एक्टर उसमें जब वो जान डाल देता है जो अदनान भाई ने और आयरा जी ने करा है, उसका बाकमाल, मतलब हर एक मोमेंट अगर एक मिस होता तो ऐसा लगता है क्या हुआ होगा। जो वीडियो की इनका कॉन्सेप्ट था तो वो हमारी मेहनत रास आई। क्या होता है कभी कभी कंपोजिशन बहुत अच्छी हो गई, शूट इतना अच्छा नहीं हुआ, कभी कभी लिरिक्स अच्छे हो गए, लिपसिंग नहीं कर रहे हैं सिंगर, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कभी कभार नहीं मैच हो पाती। इस गाने के साथ ऐसा हुआ है कि हर चीज़ अपनी जगह आके बैठी है और लोगों ने प्यार दिया है, उससे हम बहुत खुश हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा पैकेज है इसका, म्यूजिक भी लिरिक्स भी मोइन भाई ने गाया भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल प्रोग्रामिंग उसको बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग किया है। इसमें हमें ऐसा लगता है गाना बनने में ना कुछ बहुत बड़े बड़े एस्पेक्ट्स हैं। ऑडियो हमने रेडी कर लिया, और हर स्टूडियो में जब ऑडियो बनता है तो उनको लगता है कि हमने बहुत ही अच्छा गाना बना दिया, इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग, ये हर और होना भी चाहिए, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। उसके बाद जब हम हमारी एक्साइटमेंट वीडियो की तरफ होती है, और जब इतना प्यारा वीडियो बनता है तो एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है मीडिया से, जो आप लोगों ने किया है। एक वीडियो इतना प्यारा जिसके इतने अच्छे इमोशंस है, आज आप देखो उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं और उस कैरेक्टर को आप 5 मिनट तक देखते रहो, बहुत बड़ी बात है। ये इन लोगों को हेड्स ऑफ कि ये लोग इतने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि ऐसा लगता है कि मैं तो अपना एक गाना तो सुन ही नहीं रहा था, इनका वीडियो ही देख रहा था। कि पहली बार देखे तो मुझे गूज़बम्प्स आ गए, मैंने बोला क्या वीडियो बनाया, थैंक यू। मैंने पूरी टीम को पर्सनली सबको मैसेज किए, इनफैक्ट डायरेक्टर और जितने एसोसिएट डायरेक्टर हैं सबको मैसेज किए, यू हैव वर्डन, मतलब आप लोगों ने जो मेहनत करी है वो काबिले तारीफ है। उसके बाद मीडिया ने जो 1-2 दिन में इसको जहाँ तक पहुँचाया, थैंक यू राशिद भाई, आपने उस लेवल पे ले गया, क्योंकि एक आर्टिस्ट सिर्फ स्टूडियो तक सीमित रहता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। अपना बेस्ट हम एक 4 दीवारी माइक और इक्विपमेंट्स के साथ दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो डायरेक्टर आर्टिस्ट और उसके बाद ये आप लोगों की मेहनत होती है, हमारे उस छोटे से गाने को बहुत बड़ा बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, आप लोग उस गाने को यहाँ तक लेके आए, और मेरी बहुत दरख्वास्त है आपसे, क्योंकि ये बहुत प्यारा गाना बन गया है, इसको और आगे तक लेके जाएं और इसको बड़े से बड़े लेवल तक लोगों तक पता चले कि इट्स अ बेस्ट सॉन्ग। बस एक और सवाल असली ये पूछना चाहता हूँ कि गाने तो अच्छे आते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं और काफ़ी पॉपुलरिटी मिलती है मीडिया के थ्रू ही, लेकिन लॉन्गेविटी जो कहते हैं, मतलब समय का ड्यूरेशन, कि बहुत कम समय में ऐसा होता है कि याद रखा जाए उस गाने को, जैसे 90s के गाने 80s के गाने होते थे, अभी 10 साल में आपने ऐसा कोई भी गाना नहीं सुना को जो कि बहुत आपको सुनने का इच्छा करता हो? जो दिल से बात निकलेगी वो दिल तक पहुँचेगी,
क्योंकि आज लोग दिमाग से काम कर रहे हैं आजकल, जो भी चीज दिल से बनी है ना वो दिल तक लोगों तक पहुंची है और हिट हुई है। आप एक्टर को देखिए, वो जो दिल से एक्टिंग करता है वही सक्सेसफुल है। जो सिंगर गाता है दिल से, आप खुद खुद किसी को बोलना नहीं पड़ता कि कैसा लग रहा है, वो खुद कहता है वाह। तो वाह का मतलब ये होता है कि कुछ तो बात है। तो सर, हर दौर में अच्छे बुरे लोग रहे हैं, कोई भी काम अपना बुरा नहीं करता, जिसकी जितनी नॉलेज है उस हिसाब से वो अपना काम करता है। तो हर आदमी से ये दुआ है कि सब लोग मिलकर ये जो हमारी इंडस्ट्री है, जिसमें हम लोगों ने, जहाँ से हमारी लाइफ चली है, जिन्होंने हमें बनाया है, तो हम ये दुआ करते हैं अच्छे अच्छे लोग जुड़े, हमसे भी जुड़े, हम भी उन लोगों के साथ जुड़े और एक अच्छा काम करें। और व्हाट आर द फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट? मैंने ये तो कर ही लिया आपने। अभी हमारी फिल्म, अभी तो सिंगल्स भी काफ़ी आ रहे हैं, सनी देओल के दो सिंगल आ रहे हैं, अभी इससे पहले भी हमारे काफ़ी सिंगल्स हैं। फिर एक फिल्म आ रही है कोको कोला, वो भी सनी देओल के साथ ही है। फिर विस्फोट आ रही है, विस्फोट आ रही है, ओम आ रही है, ओम आ रही है, आदित्य रॉय का, आदित्य कपूर की। बट ये सब तो जिंदगी में चलता ही रहता है। एक जो जो काम हमने इसमें किया है वो शायद किसी में नहीं, क्योंकि हमने अपने भाई के लिए काम किया, वी आर कज़न ब्रदर्स आल्सो। तो मैं चाहूँगा, क्योंकि बातें तो जिंदगी भर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन एक बार मोइन के साथ हम लोग ये गाना गाना चाहेंगे, फिर जो सवाल आपके हम बिल्कुल देंगे, क्योंकि हमारी ये जो टीम है ना, ये गाना बिल्कुल इनके बिना अधूरा। क्या है जब कंपोजर कंपोज कर, चलिए स्टार्ट जी, जब हमारा सिंगर रेडी है टुकड़े टुकड़े दिल दे करके माही में तू खुश हो जा, जिन्हें सारे ख्वाब खेया दिल ने तू संग संग सब ले जा, जिथे भी तू जावे तेनू याद नहीं मैं करना, जाने दे मैनू छड़ जाने दे मैनू, मैनू इश्क नहीं करना, छड़ जाने दे मैनू, छड़ जाने दे मैनू, मैनू इश्क नहीं करना, नहीं हो मरना, जाने दे मैनू, मैनू इश्क नहीं करना। थैंक यू, थैंक यू।